नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करें और मुझे और कौन कौन से वीडियोस देने हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्लेमर यही है कि जो भी बातें हैं सभी पर्सनल हैं, आप अपने रिस्क पर ही फॉलो करिएगा इनको, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि रिवीजन लास्ट टाइम पे लग रहा होगा कि यार हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, इतना सारा उबड़ गबड़ हो गया है, पूरा दिमाग बिल्कुल पक चुका होगा इस टाइम पे कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एक सिंपल सीधी बात यह है कि ये जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी की यही हालत होती है। लास्ट टाइम पे ऐसा लगता ही है, चाहे आप जितना भी पढ़ लो, कि एक पकड़ते हो तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ते हो तो तीसरा छूट जाता है। ये सबकी हालत है, ठीक है। ये आपके साथ कोई नया नहीं हो रहा है, सभी के साथ ऐसा होता है। और दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम में अब कितने 8-10 दिन बचे हैं, आज 17 हो ही गई और करीबन 8 दिन बचे हैं, आपको 1-2 दिन आने जाने में लग जाएगा। तो 28 को तो एग्ज़ाम ही है। अब देखिए, लास्ट टाइम पे इतनी सारी चीज़ें मत पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले तो वो वाली चीज़ें पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आनी ही आनी है, आपको पता ही है। अब मैं बस उस टॉपिक्स के नाम नहीं जा रहा हूँ, बस उतना ही। आप बाकी आप देख लीजिएगा सोर्स कौन सा है, वो आप अपने हिसाब से देखिए, मेरे वीडियोज़ या फिर कुछ और बुक या जो भी है। टॉपिक्स हैं जैसे सेंसस, इस पे आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे जैसे भी आप, जो इसको छोड़ ही नहीं सकते। आरओ में भी आया था, एसीएफ में भी आया था, बिल्कुल आएगा। सेंसस के साथ एक और चीज़ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 वाला जो डेटा है उसके फैक्ट देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बता चुका हूँ, मैं आप अपने हिसाब से यूएन की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट समरी थी वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आपको भरोसा है तो आप वो देख सकते हैं मेरा वीडियो। प्लस मिनरल और एग्रीकल्चर वाला डेटा, ये नहीं छोड़ सकते हो आप, ये करना पड़ेगा। सेंसस, मिनरल, एग्रीकल्चर वाला, इन तीनों को मिला के 10-15 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कुछ और यूपी पीसीएस के फेवरेट टॉपिक हैं, क्रॉप डिसीजेस, क्रॉप की वैरायटी, इस पे लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ये आदत है इन लोगों की और हर बार ऐसा पूछते हैं। कुछ जो यूपी के चुनिंदा संस्थान हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, परीक्षावाणी में दिए हुए हैं वैसे आराम से लिस्ट में। मेरे पास भी एक पीडीएफ है, वो लिस्टिंग है वो पूरी, मैं वो पीडीएफ फ्री में शेयर कर दूंगा ओनली यूपी पीसीएस वाले में, ठीक है। तो ये इससे अगर आपने इतना करा तो करीबन 15-20 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। उसके बाद बचा करंट अफेयर। करंट अफेयर आप छोड़ ही नहीं सकते हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पिछले एक साल का करंट अफेयर करना है। उसके अलावा जो पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर है, 10 अक्टूबर से पिछले जाके 3 महीने तक, 2.5 महीने करीबन, उसका बहुत अच्छे से करना है। उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आएंगे, मतलब करंट अफेयर जितना पुराना होता जाएगा ना उतनी उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए करंट अफेयर के 30-35 सवाल आए तो 15-20 यहीं से आएंगे, ये करीबन 1 अगस्त या फिर 25 जुलाई के आसपास से लेके 10 अक्टूबर तक। इन सब के लिए मैं एक वीडियो दूंगा आपको, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैं बना रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है मुझे और मैंने 17 को बोला था लेकिन मैं नहीं दे पाया। हाँ, लेकिन 20 तक दे दूंगा, मैंने आज मैसेज किया था कम्युनिटी पोस्ट में, या तो उसको देख लीजिएगा या फिर आप अपना जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर और प्लस जितने अभी तक टॉपिक बताए इन सब से करीबन 50-60 क्वेश्चन तक पहुँच गए। फिर हिस्ट्री के जो लिस्टिंग है स्पेक्ट्रम के लास्ट में दी हुई है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, कौन किसने चालू किया, कब आया, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, ट्राइबल रिवोट हैं, ये सब जितने भी हैं स्पेक्ट्रम के हर पन्ने के हर चैप्टर के बाद ना एक समरी दी होती है छोटी सी एक पन्ने की, उसको और प्लस जो बुक के एंड पे दी हुई है वो पढ़ लीजिए। मॉडर्न इंडिया के लिए इतना काफ़ी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से आ जाएंगी। लास्ट में जो है ना एनक्सेसर करके दिया हुआ है, जो भी चीज़ें लास्ट के 20 पन्ने हैं वो सब उसमें बहुत सारी लिस्टिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम, न्यूज़पेपर के नाम, कांग्रेस के सेशन, गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्या क्या उनके टाइम पे हुआ था। अब ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर मिडिवल में क्या लिखिए आप, क्रोनोलॉजी पढ़िए, क्रोनोलॉजी दिल्ली सल्तनत की, मुगल की, कम से कम क्रोनोलॉजी पढ़िए, उनकी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट हैं बुक्स के नाम देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, मेरा ये जब 2-3 चीज़ें मेरी बची हैं जितनी ये हो जाएंगी तो मैं बहुत सारी पिक शेयर कर दूंगा आपको ओनली यूपी पीसीएस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। आप उसको देखना चालू कर दीजिएगा, मैं अभी भी चालू करूँगा, आज से मैं काफ़ी सारी पिक्स देना चालू करूँगा। बीच बीच में रिवीजन एक टाइम रखेंगे, वीडियो नहीं बना पाएंगे अगर इतना, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, उस पिक को देख लीजिएगा, ठीक है। मिडिवल में इतना करिए, प्लस सिक्के के बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्के और दीवाने जितने हैं उनको, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने ये जितने भी हैं, एक लिस्टिंग मेरे पास, वो लिस्टिंग मैंने बनाई थी टेस्ट की, मैं उतनी लिस्टिंग शेयर कर दूंगा आपको अगर आप लोग बोलोगे तो। पूरी पीडीएफ तो नहीं दूंगा उसकी, लेकिन उसकी लिस्टिंग कर दूंगा शेयर, ठीक है। तो ये है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लस एंशियंट में
जैसे मौर्य के टाइम के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बुद्धिज़्म के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ऋग्वेदिक काल के टाइम पे किस कौन से देवता किससे सिग्निफिकेंस उनका क्या था, ये सब जो इंपॉर्टेंट इंडस वैली की साइट है, नास्तिक फिलोसफी आस्तिक फिलोसफी ये सब, और प्लस एंशियंट के टाइम पे जो आपके जितने भी एंशियंट से मिडिवल तक फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, प्लस उनकी बुक्स, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मत समझिएगा कि मैं इतने सारे टॉपिक बता रहा हूँ, कह रहा हूँ इतना सारा कर लो, ठीक है। अब ये है फिर पॉलिटी में जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट हैं, शेड्यूल हैं, सबको देखिए एक बार, फंडामेंटल राइट कौन सा है, कौन सा चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कौन सा अनटचेबिलिटी के लिए, लेटेस्ट एंग्लो इंडियन के लिए कौन सा है, ये सब चीज़ें जितने भी हैं, लिस्टिंग जितनी, ओथ कौन दिलाता है, रिजिग्नेशन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये सब मैं इसके लिए वैसे एक वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ संविधान का कि कैसे कैसे UPSI के लिए बनाया था, लेकिन वो सेम ही है, पॉलिटी थोड़ी ना बदलती है, तो वो है, इतनी सारी चीज़ें करिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पुराने सालों के पेपर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, एक PDF है उसमें UPPCS के जितने भी 2013 तक 2014 तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो जो GS के वो मैंने एक 4 घंटे के वीडियो में कर रखे हैं, विकास पता नहीं विकास भारती जी के नोट्स थे वो, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो GS वाले पॉइंट से जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो सब दिए हुए हैं, ठीक है, उतना आप करिए, प्रीवियस ईयर के लिए ज़रूरी है ये, इकोनॉमी के लिए इंडिया का ट्रेड, इंडिया का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया का किससे है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा प्रोडक्ट करते हैं हम, इम्पोर्ट कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, प्लस इकोनॉमिक सर्वे का कुछ कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट समरी, बजट की समरी, यूपी का बजट, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। और प्लस कई बार ये लोग रेपो रेट और ये सब चीज़ें मॉनिटरी पॉलिसी करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो हमारे साथ चल रहे हैं तो सब चीज़ें आपकी जितनी मैंने बताई सब करवा रखी हैं, ठीक है, दीवाने और सिक्के छोड़ के, दीवाने सिक्के बचे हैं भी। उसके बाद कि UPGK इतनी नहीं आती है, वैसे 6-7 क्वेश्चन आते हैं और वो भी करंट अफेयर यूपी का कवर हो जाएगा और उसमें यूपी सेंसस भी घुसा हुआ है और प्लस यूपी के इंस्टीट्यूशंस भी, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरे वीडियोस हैं उतना भी देख लेंगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। UPGK के और वीडियो मिलेंगे अभी लगातार, अभी मैं एक्चुअली बना रहा हूँ कंटेंट और लास्ट पे लगातार वीडियो दूंगा, 22-23 के बाद ना लगातार वीडियो एक बैक टू बैक मिलेगा, ठीक है, तो ये इतना कर लीजिए, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको लिस्टिंग दिखे, जैसे ज्योग्राफी में कौन सा डिज़र्ट कहाँ पे है, किस में लोकेटेड है, कौन सा बड़ा डिज़र्ट है, टॉप जो वॉल्केनो कौन कौन से हैं, टॉप रिवर्स कौन कौन सी हैं, टॉप स्टेट्स कौन कौन सी हैं, इन सभी को टेस्ट में मैंने कवर करा हुआ है आराम से, जो पेड लेवल ले चुके हैं वो उसमें देख लीजिएगा, वरना जो मेरे टेस्ट सीरीज़ वाले वीडियो हैं अभी आज मैंने नहीं दिया है लेकिन वो दूंगा मैं करंट अफेयर पर लगाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले उसी को कर लूँ, लेकिन टेस्ट वाले भी मैंने बोला है 24-25 तक सारे टेस्ट कवर कर दिए जाएंगे, 10 ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं, 32 बचे हैं, उसमें से करीबन 16 टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, वो मैं करवा दूँ, एक एक वीडियो में 3-3 टेस्ट करवा दूँगा, ठीक है, लास्ट वाले टेस्ट बड़े हैं उसमें 100-100 क्वेश्चन हैं, तो ये है। उसके अलावा अगर देखिए इतनी सब चीज़ें हो गई हैं, आप जहाँ से भी करिए, परीक्षा मंथन से पढ़िए, दृष्टि से पढ़िए, घटना चित्र से पढ़िए, जहाँ जहाँ से भी पढ़िए, टॉपिक्स बस ये समझ लीजिए कि इतने करने हैं आपको, कम से कम इतने तो करने ही हैं। इकोनॉमी में अब देखिए कुछ कई बार डेफिनेशन पूछते हैं, जैसे SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, प्लस कुछ कमिटीज़ की लिस्ट कई बार पूछते हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं ओनली UPPCS पे शेयर करूँगा ये सब, ठीक है, ये इतना आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, ठीक है, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस तो बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइंस के लिए कम से कम घटना चित्र जो 2018 वाला एडिशन है अगर आपने वो पढ़ लिया है तो काफ़ी कुछ हो चुका है, हमारे वीडियोज़ भी हैं, इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी है, और प्लस एक अभी मैं कुछ इन्वायरमेंट की और साइंस की एक समरी और अभी लाऊंगा लास्ट में, लेकिन वो लास्ट में मिल पाएगी, एक्चुअली कंटेंट बन नहीं पा रहा है और काफ़ी टाइम लगता है उसमें, और वो मतलब 28 को पेपर है, तो आप अगर हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे करीबन आज से लेकर 25 तक तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओनली UPPCS ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अगर मेरे से वीडियो नहीं भी बन पाया तो मैं उसको PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिन लोगों ने क्रैश कोर्स ले रखा है वो लोग प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कर लीजिएगा, 25 से लेकर 42 तक टेस्ट बहुत अच्छे से देने, वो ऑलरेडी अपडेटेड है, 1 से लेकर 24 तक में से 10 टेस्ट अपडेटेड मैं भेज चुका हूँ आपको, 14 बचे हुए हैं वो भी 1-2 दिन में मिल जाएंगे, प्लस हिंदी की MCQ पूरी करवा चुके हैं अजीत, इंग्लिश की भी चालू होने वाली है, ठीक है, इंग्लिश की आप वो कर लीजिएगा, हिंदी की भी, प्लस कुछ वन लाइनर दिए हैं हिंदी इंग्लिश में, और प्लस जो मेरा वीडियो है,
ठीक है, और प्लस जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी हैं वो पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ को पीडीएफ की तरह पढ़ा करिए, प्रिंट मत निकाला करिए। कई बार लगता है लोगों को कि प्रिंट और ये सब चीज़ें, मैं नहीं प्रमोट करता हूँ प्रिंट को। जो भी क्रैश कोर्स मेरे लेते हैं जैसे, मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट ना निकालें उसको, ठीक है। और वैसे मैंने कोई सेटिंग प्रिंटिंग अलाउ कर रखी है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं ना कि हमारी पीडीएफ लेके फिर उसी को अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, कोई बेच देता है, कोई अपना धंधा चला रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, कोचिंग में बोल रहा है कि ये हमको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने वो किया है। मुझे पता सब है, लेकिन ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ मैं, जो कर रहा है करे अपना, भगवान जाने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बात और कि अगर मेरे वीडियो आपको लगते हैं कि मैं बीसी करता हूँ, वो शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमको लड़कियाँ भी कई सारी फॉलो करती हैं, हमारी बहनी जी भी हैं कई सारी। अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप दो काम करिए। पहली बात तो मेरे हर वीडियो को तुरंत डिसलाइक कर दिया करिए और तुरंत अनसब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जैसी मेरी बोलने की तथा है, जितना मुझे समझ में आता है उतना ही मैं बोलता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं कोई इधर उधर की बात नहीं बोलता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता यार। और दूसरी बात, मैं लाइव भी नहीं आता हूँ, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। एक बात और है कि आप लास्ट टाइम पे ना अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है, सब कुछ देखे हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, फैक्ट देखे हैं, कॉन्सेप्ट फैक्ट का पूरा मिला जुला मिक्सचर हो जाएगा दिमाग, होता है सबके साथ ऐसा होता है। तो आप अपने पे भरोसा रखिए, अगर आपने पढ़ाई की है, फैक्ट आपको पता है, आपको जैसे मैंने बताया है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले एरिया, वहाँ पे अभी भी आप फोकस कर लो, लास्ट के 10 दिन रिवीजन कर लो, तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, ठीक है। मेरी टेस्ट सीरीज के वीडियो जरूर देख लेना, जो भी क्रैश कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, बल्कि पीडीएफ से ज़्यादा वीडियो में मिलता है। मेरे वीडियोस देखेंगे, अभी जैसे मैं करंट अफेयर बनाऊंगा अगस्त सितंबर और 10 अक्टूबर तक का, मैं सिर्फ उतनी बात बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने के लिए है, बस फालतू की मैं बात ही नहीं बताऊंगा। आप पीडीएफ आप पढ़ने बैठोगे, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको भी मैं इसीलिए रेड से उसको वो कर देता हूँ मार्क, की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही कर रहा हूँ, उसी पर लगाऊँ। तो मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलना है, एक यूपी का करंट अफेयर मिलेगा करीबन 23-24 तारीख तक, पूरा वीडियो, जो लोग ने पेड कर रखा है उनको पीडीएफ मिल जाएगी। एक करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, एक ही मिलेगा सिर्फ, अगस्त सितंबर 25 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक का, वो मैं खुद करूँगा उसको पूरा डिक्टेट करके, इंपॉर्टेंट वाली बातें, ठीक है। उसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कीम वाला, वो मैं पूरा बना रहा हूँ, उसके लिए वो भी मिल जाएगा 22 तक करीबन। तो ये तीन चीज़ तो करनी है, प्लस एक मैं पॉलिटी का पापा वीडियो दूंगा अभी, जिसमें मैंने बताई जो चीज़ें वो सब, इकोनॉमी का मैं दे चुका हूँ, इन्वायरमेंट का भी दे चुका हूँ। इन्वायरमेंट में जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व हैं, ये सब हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी। मुझे पता है इन्वायरमेंट और साइंस का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, इसीलिए मैंने काफ़ी पहले से उसको कवर करना चालू किया था। जो हमारे साथ हैं अभी तक उन्होंने देखा होगा। दूसरी बात, एक बात और है, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा कि नहीं। देखिए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अगर एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारी मम्मी जी का प्रेशर है दुनिया में, मेरे से, मेरी पूरी दुनिया में, मतलब मेरी माँ से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये बात है, ठीक है, मम्मी का प्रेशर है, इसलिए मुझे देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर मैं हो भी जाऊँगा तो मैं जाऊँगा नहीं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आपको लगता होगा कि मैं इतने सारे वीडियो बनाता हूँ, इतना कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन इतना डेटा है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा कहाँ प्रोडक्शन में नंबर वन है, क्योंकि इतना डेटा, दिमाग तो छोटा सा ही है ना, बच्चा सा ही दिमाग है, उसमें आप इतना डेटा डालोगे, इतना डेटा तो इन मिनिस्ट्रियों के पास भी नहीं रहता है जितना डेटा लोग पूछ लेते हैं। तो यूपी पीसीएस में मिनरल भी पढ़ लो आप, एग्रीकल्चर भी, तो ऐसा किसी का कोई वो नहीं है कि वो बिल्कुल टॉप ही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वैसे भी, मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ उसके, फिर टाइटल लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो मैं यूट्यूबर भी हूँ ना, मेन चीज़ है। तो मैं यूट्यूब में मेरा काम रहता है, कंटेंट मैं फोकस करता हूँ बनाने पे, कि जहाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को हल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं क्वेश्चन बना अच्छा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं वो हल कर पाऊँगी, ये सब बातें अलग है। तो आप इस पे फोकस मत करा करिए कि मैं करूँगा कि नहीं, मेरा जो होना है वो हो चुका है, मैं यहीं पर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पे ही काम करना अच्छा लगता है, मैं YouTube से सेटिस्फाइड हूँ। जितने पैसे मुझे चाहिए होते हैं वो मैं कर लेता हूँ, ना मुझे किसी से लेना है कुछ, ना देना है, देना है यहाँ पे, मतलब सिर्फ देना ही देना है। डोनेशन वोनेशन मैं नहीं लेता हूँ, मुझे प्लीज़ डोनेट करने की कोशिश मत करा करिए, मुझे किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें हैं मेरे प्रोडक्ट, वो मैं खुद अपने हिसाब से अपने पैसे तय करूँगा कि मुझे जितने चाहिए, और जितने चाहिए मैं अपने आप निकाल लूँगा वो। तो ये है, आप अपना एटीट्यूड रखिए इतना कि आप अपने पर भरोसा रखिए, और ऑल द बेस्ट है। और प्लस एक चीज़ और है कि ज़िंदगी में एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा,
मतलब क्या हर आदमी एसडीएम थोड़ी ना बन जाता है, हर आदमी आईएएस थोड़ी ना बन जाता है। और ये भी नहीं कि कोई आईएएस या पीसीएस पे ज़िंदगी ही ख़त्म है, लोग उससे भी आगे जाते हैं। तो बहुत सारी दुनिया में ऐसे कोई अगर आप एस्पिरेशन है आपके अंदर, ज़िंदगी में चाह है कुछ करने की, कि आप मान लीजिए एक जगह फेल होते हैं तो आपको पता है कि अगर आपने टाइम किया है, जैसे मैं, मुझे पता है कि अगर मैंने कहीं टाइम स्पेंड किया है मैं तो उससे फल निकालूंगा जरूर। ये वाला एटीट्यूड रखिए आप अपने अंदर, बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे। और अपने पे विश्वास रखा करिए थोड़ा, सारा कुछ होता है भरोसा अपने पे जरूर होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं सोचते हो कि आप कर सकते हो तो फिर आप कैसे करोगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, लास्ट में अपने आप पे भरोसा रखिए पूरा का पूरा। जितने मेरे वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से ही हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि मैंने कहीं भी कुछ, अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे से कुछ बहुत बार गलतियाँ होती हैं, अगर मैं इतना डेटा छानता हूँ कि मैंने बताया आपको कई बार मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो मैं कई बार हमारे वीडियोज़ में भी कुछ गलती हो जाती है, लेकिन मैं दोबारा जो नए वीडियोज़ होते हैं उसमें वो करेक्ट कर देता हूँ या फिर उसी के पिन्ड कमेंट में कर देता हूँ। तो गलती सबसे होती है, लेकिन मैं बस ये कोशिश करता हूँ मिनिमाइज़ हो, मिनिमम से मिनिमम गलती हो। इवन आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी तक में गलती है, लक्ष्मीकांत तक में गलती है, बड़ी बड़ी जो टेस्ट सीरीज़ है, बड़े बड़े करंट अफेयर्स, सब में गलतियाँ होती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपसे भी अगर गलती होती है कि मान लो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मौके आगे हैं तो बिल्कुल आगे उनको यूज़ करिए, और अगर आपने बहुत पढ़ लिया तो उसको कहीं ना कहीं यूज़ करिए, ठीक है। कि ऐसा मतलब अगर आप 10-15 साल से लगे हुए हो तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या करना है आपको ज़िंदगी में। मतलब 60 साल 65 साल की ज़िंदगी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 है समथिंग, फीमेल ज़्यादा जीतनी 70 साल और मेल करीबन 67 साल। तो उसमें अगर आपने एक बड़ा हिस्सा तैयारी को दिया है 10-12 साल, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए उसको। अगर आप 1-2 साल से लगे हुए हैं तो ठीक बात है, फिर तो 2-3 साल तो वैसे भी लगता ही है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहीं पे रहने दीजिए प्लीज़, मुझसे मेरे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू, इसमें प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत करा करिए। आपको अच्छा लगता हूँ मैं, मेरे वीडियो देखो, नहीं लगता है अनसब्सक्राइब करके निकल लो यार, क्या दिक्कत है इसमें। आप बिजी हो, मुझे बिजी दो, ऑल द बेस्ट है।